वफाकी वज़ीरे आज़म इकबाल का कहना है कि पीटीआई को अगले इलेक्शन के लिए एक ज़ाबिता अख़लाक़ पर इत्तफाक़ करना चाहिए। अगर अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो फिर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी, ये बहरान ही काफ़ी होगा। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोई तनाज़ा नहीं है, कोई जमहूरी पार्टी इलेक्शन से फरार नहीं कर सकती। झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि क्या इलेक्शन आइन की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक कौमी और सूबाई असेंबलियों का इकट्ठा होना चाहिए, या पंजाब का इलेक्शन 5 महीने पहले करके आप पंजाब को पाकिस्तान के वफाक पे बालादस्ती दे दें कि फिर पंजाब ये फैसला किया करेगा कि मरकज़ में आइंदा कौन हुकूमत बनाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई असेंबलियाँ हैं वो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, और वो पंजाब के पहले इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई में कौन मुलव्वस नहीं है।